हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे प्यारे दोस्त, पढ़ के इतिहास था। और आज जो पढ़ने वाले जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत पढ़ने जा रहे हैं? भाई बीकानेर। कानेरियास। कानेरियास की बात करें फिर साथियों, तो राजस्थान का जो मैप देखा जाए तो आपका राजस्थान ये वाला जो क्षेत्र था, लगभग पूरा का पूरा क्षेत्र कनेर रियासत में आया करता था। वाला क्षेत्र लगभग बीकानेर रियासत के अंतर्गत आया करता था। पूरा का पूरा क्या कहलाती थी? कनेरिया। क्या कहलाती थी? कनेर। ठीक है, डूंगरपुर, ये सॉरी गंगानगर, हनुमानगढ़ और इधर से बीकानेर, कनेर वाला ये क्षेत्र सारा का सारा शामिल हुआ करता था। पर तो ये राजस्थान के मैप में देखा जाए, बीकानेर का प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम दांगल प्रदेश हुआ करता था। कौन सा? दांगल प्रदेश हुआ करता था या जांगल देश हुआ करता था। पर दांगल प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। तो बीकानेर, बीकानेर के राजाओं ने जांगलधर बादशाह की उपाधि भी धारण की थी। जांगल प्रदेश और बीकानेर का जो लूणकरण हुआ है प्यारे दोस्तों, ये जांगलधर बादशाह की उपाधि भी धारण की। और बीकानेर के राज चिन्ह पर, किस पर? राज चिन्ह पर, बीकानेर के राज चिन्ह पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों? ये जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है। क्या? जय जंगलधर, जंगल धर बादशाह। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये जंगल धर बादशाह लिखा हुआ है बीकानेर के राज चिन्ह पर। ये शब्द लिखे बीकानेर रियासत की बात करें तो बीकानेर का कहा जाता है जो राव बीका था, राव बीका मारवाड़ के राव जोधा का पुत्र हुआ करता। मारवाड़ के राव जोधा का एक पुत्र हुआ करता था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका नाम था बीका। और बीका एक दिन राज दरबार में उपस्थित था, राज दरबार में बैठा हुआ था। और राज दरबार में बैठे होने के पश्चात ही अपने चाचा के पास, उसका नाम था कांधल। के चाचा का नाम क्या था? बीकानेर का पुत्र था। का जो पुत्र था प्यारे दोस्तों, ये जोधा का पुत्र। जोधा कहाँ का? मारवाड़ का। कहाँ का? मारवाड़ का जोधा था। मारवाड़, तो मारवाड़ के जोधा का पुत्र हुआ करता था बीका। ठीक है, एक दिन ये राज दरबार में उपस्थित था। राज दरबार में राव जोधा कुछ इस मैटर पर चर्चाएं कर रहा था। कौन? राव जोधा। इस मैटर पर क्या कर रहा था? चर्चाएं कर रहा था। कौन? राव जोधा। ठीक है, राव जोधा। और यहीं पर इसी के सामने सामने एक सीट पर बैठा था। कौन? राव बीका का चाचा जो था जालन था, चाचा भी था साथ में। चाचा भी बैठा हुआ था। अब कहा जाता है कि चाचा और बीका ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। और उससे बातें करते हुए कहा जाता है कि राव जोधा सीरियस मैटर पर बात कर रहा था। उसी दौरान राव जोधा कहता है कि तुम बातें कर रहे हो भाई, तुम कौन से नया गढ़ निर्माण करने की बातें कर रहे हो? इतनी गुपचुप करके इतनी बातें कर रहे हो कि कौन सा तुम नया गढ़ निर्माण करने की बातें कर रहे हो? कहा जाता है उसी टाइम जो इसका चाचा था, जंगल का चाचा था, क्या नाम था?
दांगल इसका चाचा था, वो कहता है कि हम नया गढ़ का निर्माण तो करें या नहीं करें, लेकिन यहाँ नहीं रहें, यहाँ नहीं रहेंगे, अर्थात आपके बनाए हुए दुर्ग में नहीं रहेंगे, आपके बनाए हुए गढ़ में हम नहीं रहेंगे। ऐसी वार्तालाप हो जाती है, और वहीं पे कहता है ये इसका चाचा कहता है जंगल खड़ा हो रहे का, और इसका छोटा भाई था विद्दा, इसका छोटा भाई कौन था, विद्दा का छोटा भाई था, एक तो बीका था ये, बीका का छोटा भाई था विद्दा और ये जंगल जंगल, ये तीनों खड़े होते हैं, और इनके साथ कुछ और भी सेनापति थे खड़े हो जाते हैं, और यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकल जाने के पश्चात अब जाए कहाँ और निकल जाते हैं प्यारे दोस्तों। निकल जाने के पश्चात कहा जाता है कि ये भाई जाए कहाँ, कहा जाता है कि ये सबसे पहले आपको पता है ये जाते हैं कहाँ पर, देशनोक, कहाँ चले जाते हैं, देशनोक चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, देशनोक चले जाते हैं, कहाँ चले जाते भाई, देशनोक। और देशनोक आपको पता है कि राव जोधा की धर्म बहन थी, राव जोधा की, देशनोक चले जाते हैं कहाँ पर, करणी माता के, करणी माता के पास, तो इनकी बुआ लगती थी, क्या लगती थी, इनकी बुआ लगती थी, बुआ लगती थी कि बीका की, धर्म बहन थी और बीका की बुआ लगती थी, और बीका की बुआ जालंधर के जाल, जो कहा जाता है कि जंगल, जंगल के द्वारा भी कहा जाता है ये भी चला जाता है, और ये इसके साथ कौन था, बीदा भी था, और इनके कई सारे सेनापति और भी थे, ये कहाँ चले जाते हैं भाई, बुआ पास जाते हैं, बुआ के पास जाने के पश्चात अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएं, कहाँ जाकर बसें, तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो यहीं पर एक स्थान पर पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं कोडम देशर, कहाँ पर पहुँचते हैं, कोडम देशर, कोडम देशर, और कोडम देशर आपको पता है कि ये कोडम दे, कोडम देशर, कोडम दे कौन थी, ये जोधा की माता थी, किसकी माता थी, जोधा की एक माता थी, जोधा की माँ थी, और जोधा की माँ होने के कारण अपने नाम पर एक नगर बसाया था, तालाब बसाया था, तो उस कोडम तालाब के नाम पर कहा जाता है कि इस स्थान का नाम ही कोडम देशर पड़ गया था। और 1472 में प्यारे दोस्त, अब 1472 में यहाँ पर किसको, राव बीका को, किसको, राव बीका को क्या राजा घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया गया, उसके सैनिकों द्वारा राजा घोषित कर दिया, यहीं पर कैंप लगाकर वो रहने लगे, कहाँ पर, कोडम देश। अब बात आती है कि राजधानी किसको बनाया जाए, राजधानी किसको बनाया जाए, तो राजधानी बनाने के पश्चात कहा जाता है कि यहाँ पर भाटियों की कुछ भाई आकर निवास करने लगे थे कोडम देशर में, जब ये कोडम देशर को राजधानी बना लेते, लेकिन कहा जाता है कि उनके द्वारा विरोध करने के द्वारा, राव शेखा के द्वारा, किसके द्वारा, शेखा के द्वारा विरोध करने के बाद, शेखा के विरोध करने के पश्चात की अभी फर्स्ट में लड़ाइयां करेंगे तो क्या मतलब आ रहा है, कहा जाता है कि ये कोडम देशर को छोड़कर कहां से पहुंच जाते हैं, करणी माता के पास पहुंच जाते हैं, करणी माता के पास पहुंचने की बुआ के पास पहुंचते हैं, तो कहां जाएं, कहां रहे कि ये वाला क्षेत्र खाली पड़ा है, यहां पर तेरे नाम पर एक नगर बसा दे, जिसके नाम पर कहा जाता है बीका के नाम पर, क्या नगर, बीकानेर बसाया, बसाया भाई, बीकानेर की स्थापना जो की जाती है, बीकानेर नगर की स्थापना वो की जाती है 1488 में, कब की गई थी भाई, 1488 में बीकानेर नगर बसाया, क्या बनाया, बसाया भाई, नगर बसाया, के द्वारा बसाया गया, बीका के द्वारा बसाया गया, और इसकी स्थापना की जाती है, कौन से नगर की, बीकानेर नगर की स्थापना, और इसको कालांतर में क्या बनाता है, ये अपनी राजधानी बनाता है, क्या बनाता है भाई, राजधानी बनाता है, और अपनी इसकी बुआ आशीर्वाद देती है, करणी माता के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है कि जोधपुर से छोटी तो नहीं रहेगी, जोधपुर से सवाई होगी, ऐसा आशीर्वाद कहा जाता है, इसका आशीर्वाद फली फूलता है, और कारण बीकानेर रियासत बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी हो जाती है भाई, इस प्रकार से राव बीका के द्वारा इसका बीकानेर की स्थापना की जाती है, किसकी स्थापना की जाती है, राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना कर दी जाती है। अब बात करते हैं राव बीका की, बात करें राव बीका का जो शासनकाल माना जाता है प्यारे दोस्तों, इसका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है ये 1465 में निकल कर आ जाता है, 1465 से 1504 तक रहता है, यहाँ तक 1465 से 1504 तक इसका शासनकाल माना जाता है, 1504 तक इसका शासनकाल माना जाता है,
राव बीका था, और इसी के बीच में कहा जाता है कि ये किसकी स्थापना करता है, बीकानेर नगर की स्थापना करता है। चलिए अब राव बीका की बात करें, इसका जन्म की बात करें तो प्यारे दोस्तों इसका जो जन्म है वो होता है आपके क्या नाम से, कहा जाता है कि इसका जो जन्म है 1438 में होता है। कब होता है? 1438 में, 1438 ईस्वी में इसका जन्म हो जाता है। ठीक है, बीका का कि जो इसके पिता थे, पिता कौन थे? ये जोधा थे, राव जोधा इसके पिता थे। ठीक है, राव जोधा कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। कहाँ के? मारवाड़ के। कहाँ के शासक थे भाई? मारवाड़ के शासक थे। उसके पश्चात बात करें कि माता की माता चलेगा, माता को छोड़ो, चलिए आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि ये यहां से निकलकर आ जाता है 1465 में, कहां से? बीकानेर को छोड़ देता है 1465 में, और 1465 में कहां से निकलकर आ जाता है? ये जोधपुर से निकलकर आ जाता है। जोधपुर से निकलकर आ जाने के पश्चात किसकी स्थापना करता है? बीकानेर की स्थापना। किसकी स्थापना करता है? बीकानेर, बीकानेर की स्थापना, स्थापना या बीकानेर नगर की स्थापना कब करता है भाई? 1488 में। कब बसाता है ये बीकानेर को? 1488। उसके पश्चात बात करें तो इसको राजा घोषित किया जाता है, राजा घोषित किया जाता है, राजा घोषित किया गया था 1472 में कर दिया गया था। कहाँ पर? कोडम देशर में। कहाँ पर? कोडम देशर में। कहाँ पर कर दिया गया था भाई? कोडम देशर में इसको राजा घोषित कर दिया गया था अपने सरदारों के द्वारा। कोडम देशर में राजा घोषित कर दिया गया था। राजा घोषित कर देने के पश्चात प्यारे दोस्तों कहा जाता है बीकानेर नगर की स्थापना कर दी, राजा घोषित कर दिया, और ये जो बीकानेर था, ये बीकानेर की जो स्थापना की गई थी ये करणी माता के आशीर्वाद से, करणी, करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, करणी माता की बात करें, करणी माता को बीकानेर के शासकों की इष्ट देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इष्ट देवी कहा जाता है। जबकि कुल देवी की बात करें, इनकी जो कुल देवी है, कुल देवी कौन सी है? कुल देवी तो राठौड़ों की कौन सी है भाई? नगाणा माता। कौन सी? नगाणा माता या नागणेची माता? कौन भाई? नागणेची माता, नागणेची, नागणेची माता तो एक ही होती है, कुल देवी तो एक ही होती है, क्योंकि बीकानेर के राठौड़ों की भी यही है और जोधपुर के राठौड़ों की भी यही मानी जाती है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये यहां से निकलकर आया था। इस कारण कहा जाता है कि नागणेची माता की जो प्रतिमा है उसका मंदिर का निर्माण करवाता है ये, कहाँ पर? बीकानेर, बीकानेर, और बीकानेर में नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। नागणेची, नागणेची माता के मंदिर का, मंदिर का निर्माण, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया भाई? बीका के द्वारा। किसके द्वारा? बीका के द्वारा करवाया गया निर्माण, बीका ने करवाया, और बीका ने करवाया तो कहा जाता है कि यहाँ पर 18 भुजाओं वाली, कितनी? 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है, भुजाओं वाली वाली प्रतिमा है। कहाँ पर भाई प्रतिमा है? कहाँ पर भाई? बीकानेर में। बीकानेर में कहा जाता है कि 18 भुजाओं वाली नागणेची माता की प्रतिमा मानी जाती है। कहाँ पर? बीकानेर में। चलेगा आगे बात करें तो बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक आपसे पूछ लिया तो जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक, राठौड़, राठौड़ वंश का संस्थापक, वंश का संस्थापक किसको माना जाएगा भाई? राव बीका को। संस्थापक को माना जाता है राव बीका को। संस्थापक कौन कहलाएगा? बीका। कौन कहलाएगा? बीका, यानी कि राव बीका कहलाएगा। राव बीका बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कहलाएगा, क्योंकि इसके द्वारा यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात बात करें, कोडम देशर को अपनी राजधानी बनाना चाहा, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिर भी बनवाया। ठीक है, चलिएगा, चलिए नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर जानकारियां और प्राप्त करते। बीकानेर पुंगल के भाटी शासक शेखा की पुत्री रंग कुंवरी से विवाह किया था और सुल्तान। ठीक है, चलिएगा भाई,
राव बीका ने, किसकी बात करें प्यारे दोस्तों, राव बीका। तो राव बीका की बात करें तो प्यारे दोस्तों ये राव शेखा, राव शेखा। और राव शेखा कहाँ का था भाई, शेखा था कुडमदेसर का। कहाँ का था भाई, कुडमदेसर का हुआ करता था। वैसे देखा जाए तो पुंगल कहाँ का था भाई, वैसे देखा जाए तो ये पुंगल का रहने वाला था। कहाँ का, पुंगल पहले अलग हुआ करता था, पुंगल का रहने वाला था। पुंगल के राव बीका ने पुंगल के शेखा की पुत्री, शेखा की पुत्री रंग कंवर से विवाह किया था। किससे विवाह किया था भाई, शेखा की पुत्री रंग कंवर से, रंग कुंवरी से विवाह किया, विवाह किया। शेखा ने किससे विवाह किया था, सॉरी शेखा की पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था, राव बीका के साथ कर दिया था। और कहा जाता है शेखा को मुल्तान से भी छुड़ाया था। ठीक है भाई, चलिए चलिए बात करते हैं। तो बीकानेर की जो स्थापना की थी, इसने आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए 1488 में, तो बीकानेर की स्थापना कर दी थी, कब कर दी थी, 1488 में बीकानेर की स्थापना की, बीकानेर, बीकानेर स्थापना की, स्थापना किसके दिन की थी, आखा तीज के दिन। किसके दिन की थी भाई, आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन की थी। किसके दिन की थी भाई, आखा तीज के दिन की थी प्यारे दोस्तों, आखा तीज के दिन। और विक्रम संवत पूछ लिया जाए, विक्रम संवत, विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो 1445 में की थी। कब की थी, 1445 में की थी, दोज के दिन, शुक्ल द्वितीया के दिन, शुक्ल वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल, शुक्ल तृतीया को आती आखा तीज, और द्वितीया या तृतीया को की गई थी भाई, वैशाख शुक्ल तृतीया या द्वितीया को स्थापना की गई थी आखा तीज के दिन प्यारे दोस्तों, ऐसी मान्यता है। कुंभा का पुत्र उदा जो अपने पिता की हत्या करके, कहा जाता है कि इसने बीकानेर में राव बीका के यहाँ जाकर शरण ली थी या सहायता मांगी थी प्यारे दोस्तों, मारवाड़ मेवाड़ को संचालित करने के लिए किसकी सहायता मांगी थी, बीकानेर के बीका की सहायता मांगी थी। उदा जो था कुंभा का पुत्र था, जिसने किसको, कुंभा को मार दिया था। और कहा जाता है कि यहाँ पर और बात करते हैं, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। बीकानेर का प्राचीन नाम, बीकानेर का प्राचीन नाम जो देखते हैं प्यारे दोस्तों, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, एक तो राती घाटी भी था, क्या था, राती घाटी, और एक अपन ने देखा था जंगल प्रदेश, दोनों इसके प्राचीन नाम है, जंगल प्रदेश, ये दोनों के प्राचीन नाम माना जाते हैं, जंगल प्रदेश या फिर राती घाटी के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात यहाँ की मिट्टी लाल थी, राती का मतलब होता है लाल, राता, राता नहीं कहते क्या, अपन गाँव की भाषा में कहते हैं कि राता, यानी कि लाल, लाल को राता कहकर पुकारते हैं, तो राती यानी कि मिट्टी थी, इसका राती कहा गया। घाटी अर्थात जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो घाटी कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, राती घाटी कहलाती थी ये। बीकानेर का प्राचीन नाम हुआ करता था जंगलधर बादशाह, जंगलधर प्रदेश, जंगल प्रदेश भी को कहा जाता था। और बात करें चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, बीकानेर के, बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश थे, इनका जो कहा जाता है कि गोदारा के जाटों द्वारा राज तिलक किया जाता है, के द्वारा गोदारा के जाट थे वो कहा जाता है पांडू के वंशज माने जाते हैं, अपने आप को पांडू के वंशज मानते थे। कारण कहा जाता है कि गोदारा के जो जाट थे इनका राज तिलक किया करते थे बीकानेर के राठौड़ों के, जो किसके, शेखा के वंशज माने जाते थे, वंशज माने जाते थे शेखा के वंशज, यानी कि मुख्य रूप से तो पांडु के वंशज माने जाते थे। और पांडु के वंशज होने के कारण कहा जाता है कि इनका राज जो तिलक है, राज तिलक किसके द्वारा, गोदारा के जाटों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था भाई, गोदारा के जाटों द्वारा इनका राज तिलक किया जाता था। तो बीकानेर के की बात करें, बीकानेर के राठौड़ शासकों का
राज तिलक पांडु के वंशज थे, वंशज गोदारा के जाटों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था भाई? तो ये जाटों द्वारा किया जाता था, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया जाता था भाई? जाटों द्वारा किया जाता था। उसके पश्चात बात करें, बीकानेर अपने पिता, कहा जाता है कि इसकी स्थापना कर दी, बीकानेर के अलग राज्य की स्थापना कर दी। अलग राज्य की स्थापना कर देने के पश्चात कहा जाता है कि ये अपने पिता से छत्र ढाल और तलवार मांगता है। क्या मांगता है? छत्र ढाल और तलवार मांगता है। जब कहा जाता है तो इसके कारण ये इसके ऊपर विरोध भी कर देता है। विरोध क्या कर देता है प्यारे दोस्तों? इस समय कहा जाता है कि इसके जब इसने आक्रमण किया, छत्र और ढाल तलवार के लिए का जब प्राप्त करने के लिए जोधपुर पर आक्रमण किया, उस समय जोधपुर का शासक राव सुजा बन चुका था भाई। कौन बन चुका था? राव सुजा बन गया था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि जोधा ने तो इसको देने को तैयार हो गया था। जोधा ने तो कह दिया था कि ले लेना, लेकिन कहा जाता है जोधा की मृत्यु थी। जोधा की मृत्यु यहाँ का शासक कौन बन जाता है? राव सुजा बन जाता है। ठीक है, कहा जाता है ये आक्रमण करता है। तो राव बीकाने राव बीकाने जोधा के छत्र ढाल तलवार प्राप्त करने के लिए कानेर पर जोधपुर पर आक्रमण किया इस समय जोधपुर का शासक राव सुजा था। तो छत्र ढाल और तलवार प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि यही राजा का मान सम्मान हुआ करते थे और इनको प्राप्त करना चाहता था। बीकानेर का राज तिलक तो राज यानी कि राजपाट तो छोड़ दिया प्यारे दोस्तों, राजगद्दी छोड़ दी इसने। राव बीकाने अगर वहां रहता तो शासक मैं ही बनता। तो इसके पिता से कहा इसने कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो आपके छत्र तलवार और ढाल दे दीजिए और मैं खुश रहूंगा। एक राजा की सबसे बड़ी मान मर्यादा वही होती है और वही मेरे को चाहिए, तो इसमें संतुष्ट हो जाऊंगा मैं और फिर आक्रमण किसी प्रकार का कोई। लेकिन ये लेने गया ही नहीं तो जब तक जोधा की मृत्यु हो जाती है, जोधा की मृत्यु हो जाने के पश्चात कहा जाता है कि राव सुजा यहाँ का जाता है, जब इनके पुनः मांग करता है ये और इनको प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, चलेगा आगे बात करते हैं। बीकानेर का बीका के बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, कहा जाता है राव नरा बनता है। कौन बनता है? बीका के बाद शासक कौन बनता है? राव नरा बनता है। कौन बनता है? नरा बनता है। और नरा के बाद कौन बनता है? लूणकरण। कौन बनता है? लूणकरण बनता है। राव लूणकरण कौन बनता है? राव लूणकरण बनता है। उसके बाद नरा के बाद कौन शासक बनता है प्यारे दोस्तों? राव लूणकरण शासक बनता है। और देखिएगा, अब बात करते हैं राव लूणकरण। जैसे राव नरा के बारे में कोई जानकारियां नहीं मिलती, तो यहाँ पर राव लूणकरण के बारे में, राव लूणकरण, राव लूणकरण 1505 में शासक बनता है, 1524 तक शासन करता है। कहाँ तक शासन करता है भाई? 1524 तक शासन, ध्यान रखना है इसका शासन काल।
1526 तक, 1526 तक शासन करता है राव मूल। देखिएगा क्या कंडीशन होती है प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है। 1509 का आ जाता है ददरेवा चुरू को जीत लिया इसने, और ददरेवा का ठाकुर कौन था, मानसिंह चौहान था समय, जिसको जीतता है भाई 1509 में। कब की बात करें 1509, और 1509 ईस्वी में क्या किस किस को जीत लिया था, ददरेवा को जीत लिया था, ददरेवा, ददरेवा को जीता, किसको जीता भाई, ददरेवा को जीता। इस समय यहाँ का जो शासक था प्यारे दोस्तों, यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक था मानसिंह था भाई, मानसिंह था, मानसिंह यहाँ का ददरेवा का शासक था, और कहा जाता है कि ददरेवा का शासक था मानसिंह, ददरेवा को छीन लेता है। और कहा जाता है कि 1512 में कायम खानियों को हराकर कहा जाता है फतेहपुर पर अधिकार कर लिया, और कायम खानी शासक दौलत खां को पराजित किया था इसने। कब मेरे दोस्तों, कहा जाता है के द्वारा 1512, कब की बात करें 1512 में कायम खानी मुसलमानों को, 1512 में, 1512 में कायम कायम खानी मुसलमानों को विमो को पराजित किया, पराजित किया तो पराजित किया भाई, कायम खानी मुसलमानों को पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात कहा जाता है यहाँ का शासक, यहाँ का शासक की बात करें, यहाँ का शासक कौन था, कायम खानी मुसलमानों का जो शासक था वो था दौलत खां था भाई, दौलत खां, दौलत खां यहाँ का शासक था, का शासक था, कायम खानी मुसलमानों का जो शासक हुआ करता था दौलत खां हुआ करता था प्यारे दोस्तों। और इसके बारे में कहा जाता है कि ने पर जीत प्राप्त करके किस पर अधिकार कर लिया, फतेहपुर पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया, फतेहपुर, फतेहपुर पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया, किस पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, तो फतेहपुर पर अधिकार कर लेता है ये किसको, कायम खानी मुसलमानों को पराजित करके कहा जाता है लूण द्वारा फतेहपुर पर अधिकार करने में इसे सफलता मिलती है, ये दौलत खां को पराजित कर देता है, राजा दौलत खां को पराजित करता है, पराजित करके फतेहपुर पर अधिकार कर लेता है, कौन करता है भाई, आपका लूणकरण। इसके पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है, इसके द्वारा लूणकरण झील का निर्माण करवाया जाता है, झील का निर्माण करवाया जाता है, लूणकरण झील, लूणकरण झील का निर्माण करवाया जाता है, झील का निर्माण करवाया गया, निर्माण करवाया, ठीक है, बीकानेर में लूणकरण झील का निर्माण करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है भाई, राव लूणकरण सर, राव लूणकरण के द्वारा करवाया जाता है। इसके पश्चात बात करें तो बिट्टू सूजा द्वारा लिखित ग्रंथ राव जेत शिरो छंद में लूणकरण को क्या कहा गया, कलयुग का कर्ण कहा गया, बिट्टू सूजा के द्वारा एक रचना लिखी गई का राव जेतशीर, राव जेतशीर में लूणकरण को क्या कहा गया, कलयुग का कर्ण कहा गया, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, बिट्टू, बिट्टू सूजा द्वारा रचित, रचित ग्रंथ, बिट्टू सूजा द्वारा रचित ग्रंथ राव जेतशिरो छंद में लूणकरण को राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया, कलयुग का कर्ण कहा, ठीक है भाई,
क्या कहा गया? कलयुग का कर्ण कहा गया। कहाँ कहा गया? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, कई सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। कि हाल ही में थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ था प्यारे दोस्तों, में पूछा गया था पिट्ठू सुजारा छंद या फिर रावजीत शिरो छंद की रचना है, कि कई बार पूछ लिया गया प्रश्न मान, ठीक है, याद रह जाएगा प्यारे दोस्तों। तो पश्चात बात करें चलिए नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों जैत्र सिंह, कौन बनता है? जैत्र सिंह शासक बनता है, ठीक है, राव जैत्र सिंह, राव जैत्र सिंह। राव जैत्र सिंह 1526 से लेकर 1543 तक शासक करता, कहाँ तक शासन करता है भाई? 1526 शासन करता है। क्या क्या विशेषताएं देखने शासन काल की? इस समय बाबर के पुत्र कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया था और कहा जाता है कब किया था भाई? 1534। इसके समय बाबर के पुत्र कामरान ने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया था, जिसमें जैत्र सिंह विजयी हुआ, ठीक है, कामरान को पराजित कर दिया था। और कामराज को पराजित कर देने के पश्चात कहा जाता है कि इसके कोलर ऊंचे हो गए थे ना, एक राजा के बेटे को, राजकुमार को पराजित किया था और कहा जाता है कि बहुत ठंड आ गया था इसको, तो कामरान को पराजित कर दिया था इसने। और कामरान को पराजित कर देने के पश्चात प्यारे दोस्तों आपको पता है कि इसी के टाइम पर आपको पाहिबा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पाहिबा और साहिबा का युद्ध 1541 कब हुआ था? 1541 हुआ था। किसके मध्य हुआ था प्यारे दोस्तों? एक तरफ तो जैत्र सिंह, कौन था? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह का बेटा कौन था? जैत्र सिंह का बेटा कल्याणमल, कौन था? कल्याणमल। वर्षेज कौन था? पालदेव था। और यहाँ पर विजय किसकी हुई थी? यहाँ पर विजय इसकी हुई थी, जैत्र सिंह युद्ध में मारा गया था, जैत्र सिंह युद्ध में मारा गया था। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। और ये जो इसका पुत्र था कल्याणमल कहाँ चला गया था? कल्याणमल तेरसा सूरी की शरण में चला गया था। तेरसा सूरी की शरण में चला गया था। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों इसी कल्याणमल ने खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा के युद्ध में कल्याणमल ने भाग लिया था। कल्याण
नहीं भाग लिया था। तरफ से सांगा की ओर से, ठीक है, 1527 के खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 का, उस सांगा की ओर से इसने भाग लिया था। जीत सिंह के कहने पर कल्याणमल का बेटा कहाँ गया था, सांगा के विरुद्ध लड़ने के, यानी सांगा के साथ लड़ने के लिए गया था बाबर के विरुद्ध। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें किसके बारे में लिखी, ये सारी चीजें हैं आपके राव जेत्र सिंह के बारे में। अब इसके बाद जो शासक बनता है वो बन जाता है आपका कल्याणमल शासक बनता है। कौन बनता है भाई, राव कल्याणमल शासक बन जाता है। इसके पश्चात कौन बनता है, राव कल्याणमल शासक बनता है। नेक्स्ट बात करें राव कल्याणमल, राव कल्याणमल, राव कल्याणमल शासक बनता है। और शासक बनता है प्यारे दोस्तों कहा जाता है 1542 से लेकर, वैसे 41 में ही बन जाता है, 1542 और 41, 1542 से लेकर 1574 तक शासन करता है। 1542 से लेकर 1574 तक शासन करता है। कहाँ का, बीकानेर का शासन करता है। और कहा जाता है उसने शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर को पुनः प्राप्त कर लिया। किस सहायता से भाई, शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर को क्या कर लिया था, इसको पुनः प्राप्त कर लिया था। और किसके विरुद्ध लड़के, किसके विरुद्ध लड़के, मालदेव के विरुद्ध, जो मालदेव का कौन सा युद्ध था, शामिल गिरी या जेतारण का युद्ध हुआ था, गिरी शामिल का युद्ध हुआ था, उसमें लड़ा था ये। और गिरी शामिल के युद्ध में कहा जाता है कि 1544 में जब मालदेव पराजित हो जाता है, पराजित होने के पश्चात इसने शेरशाह सूरी की सहायता से इसे पुनः प्राप्त कर लिया था, किसको, बीकानेर को, जो मालदेव ने ले लिया था और किसको नियुक्त किया गया था, बीकानेर का संरक्षक उपा को बनाया था। तो बनाया था भाई उपा को बनाया था, और लेकिन बाद में कहा जाता है कि उपा और जेता की मृत्यु गिरी शामिल के युद्ध में 1544 में हो जाती है। उसके बाद मालदेव कहा जाता है जोधपुर भाग जाता है। जोधपुर भाग जाने के पश्चात कौन यहाँ पर ईसा खां के संरक्षण में या ख्वास खां के संरक्षण में कौन, शेरशाह सूरी देता है। लेकिन बाद में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो जाती है कालिंजर अभियान के दौरान, उसके बाद मालदेव पुनः पर अधिकार कर लेता है, जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। और शेरशाह ये कहा जाता है कि ये इस पर बीकानेर पर अधिकार तो कर लिया था, वापस कल्याणमल ने कर ही लिया था। चलिएगा नेक्स्ट बात करें प्यारे दोस्तों, चलिएगा शेरशाह सूरी की सहायता से कल्याणमल ने, कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर को पुनः प्राप्त कर लिया था, पुनः प्राप्त कर लिया था, बीकानेर को पुनः प्राप्त कर लिया था। कहा जाता अकबर का संरक्षक बैराम खान, वो भी कहा जाता है एक बार बीकानेर आया था, अकबर का जो संरक्षक था बैराम खान, वो भी बीकानेर आया था। अकबर का संरक्षक, अकबर का संरक्षक बैराम खान बीकानेर आया था, इसके समय बीकानेर आया था, आया था घूमने के लिए आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, कल्याणमल ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। की बात करें कल्याणमल ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्या
अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी भाई। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला ये बीकानेर का शासक माना जाता है, कौन? कल्याण में। क्या याद रखना, तो ये बीकानेर का प्रथम शासक माना जाता है जो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, और अपने दो पुत्रों को, एक तो कहा जाता है कि रायसिंह और पृथ्वीराज, अपने दो पुत्र रायसिंह और पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेज, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद रायसिंह और पृथ्वीराज अपने दो पुत्रों को किस सेवा में भेजता है? ये अकबर की सेवा में भेज, कौन भेज देता है भाई? कल्याणमल। चलेगा कल्याणमल, कल्याणमल बीकानेर का, बीकानेर का प्रथम शासक था, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कल्याणमल ने अपने पुत्र, कल्याणमल ने, कल्याणमल ने अपने पुत्र, अपने पुत्र पृथ्वीराज व राय सिंह को मुगलों की सेवा में भेजा। मुगलों की सेवा में भेजा, कहाँ भेजा भाई? कल्याणमल ने किसको? अपने पुत्र, एक तो पृथ्वीराज और रायमल को किसकी सेवा में भेजा, ये ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये था आपका कल्याणमल। इसके बाद में जो शासक बनेगा पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में उपस्थित होता है प्यारे दोस्त, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये था आपका कल्याणमल प्यारे दोस्तों। आज के बाद फिर नेक्स्ट बात, आज के लिए इतना ही काफी प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। बने रहिए डीजी सर क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।